Hi friends, all of you, welcome to my Duja. I am Shreya Shah, a child birth educator. I am Chaitali, I am a school psychologist. बच्चों का development, ये कितना important aspect है जो हम लोग दिमाग में रखते हैं. बच्चे के total 10 developmental aspects होते हैं. हर चीज़ का अपने आप में एक बहुत importance है, parents का role है और parents के लिए कुछ guidelines है. अभी के particular video में हम लोग series कर रहे हैं सारे developmental aspects की, जिसमें से आज के particular इस video में बात करेंगे बच्चों का sensory motor development. सेंसरी मोटर डेवलपमेंट होता क्या है? सेंसरी मोटर डेवलपमेंट इज अ स्टेज. ओके, सो 0 to 3 years या फिर 0 to 2 years वो एक्सटेंडेड स्टेज होती है 3 years तक, बट 0 to 2 years इज अ सेंसरी मोटर स्टेज. वहाँ पे मतलब इस स्टेज के जो भी सारे बच्चे हैं वो उनके सेंसेस थ्रू सब कुछ एक्वायर करते हैं, सीखते हैं. दैट्स वाई दिस स्टेज इज कॉल्ड एज अ सेंसरी मोटर स्टेज. ओके, सो बेसिकली जो हम लोग बोलते हैं सेंसेस आपके बॉडी के गेट्स है, नोज, टंग, स्किन, सारे इनपुट्स जो है वो हम लोग सेंसेस से लेते हैं और बच्चे तभी सबसे ज्यादा तभी से सीखते हैं, उन्हीं से सीखते हैं. ओके, तो ये डेवलपमेंटल एस्पेक्ट का कोई माइलस्टोन या सब स्टेज जैसा है? सब स्टेज मतलब धीरे धीरे उनके सेंसेस जो है वो डेवलप हो जाते हैं दिस पर्टिकुलर स्टेज में, और उनके सेंसेस जो है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव एंड एक्सेप्टेंस मोड में रहते हैं. उन्हें सब कुछ एक्सपीरियंस करने के लिए चाहिए होता है. लाइक अगर कुछ भी ब्राइट कलर्स है तो उसकी तरफ उनका ध्यान जाता है. अगर कोई नया टेक्सचर है या फिर कुछ भी चीज़ है तो उन्हें टच करना है, वो देखना भी है, वो मुंह में भी डाल के टेस्ट करना है, वो उसके नई नई चीज़ों को सुनना भी है. तो सारे सेंसेस जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, बिकॉज फॉर एवरी सेंस एवरीथिंग इज़ न्यू. उन्हें कुछ भी पता yes. नहीं है सॉफ्ट टेक्सचर क्या होता है, रफ टेक्सचर क्या होता है. अगर मेरी मम्मा का आवाज़ तो बहुत अच्छे से रिकॉग्नाइज करते हैं, बट बाकी के जो फैमिली पर्सन है उनके डिफरेंट डिफरेंट आवाज़ कैसे होते हैं, एनिमल वॉइसेस, बर्ड वॉइसेस, इंस्ट्रूमेंट्स. एंड इस पर्टिकुलर स्टेज में उनके जो सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव स्टेज में होते हैं. और बहुत सारी मम्माज का कंसर्न ऐसा होता है कि मेरा बच्चा कोई भी चीज़ जो है वो मुँह में डालता है, बिकॉज दे वॉन्ट टू टेस्ट. उनके जो टेस्ट रिसेप्टर्स है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है. उन्हें पता नहीं है कि कौन सी चीज़ों को टेस्ट करना चाहिए और कौन सी चीज़ों को टेस्ट नहीं करना चाहिए. बट इट्स अ नीड फॉर देयर सेंसरी रिसेप्टर्स, और ब्रेन की भी नीड होती है. इसकी वजह से वो सारी चीज़ें उठा के पहले मुँह में डालते हैं, देखते हैं, पहले टच करते हैं, फिर उन्हें लगता है कि इसकी टेस्ट कैसी होगी पता नहीं, सो लेट्स टेस्ट इट. सो बेसिकली उनके सेंसरी रिसेप्टर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव है. तो इसमें पेरेंट्स का रोल क्या हुआ चैताली? पेरेंट्स का रोल इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. पेरेंट्स को लगता है कि बहुत ज़्यादा अच्छा कोजी एनवायरनमेंट इस टाइम पे देना चाहिए. ठंडा पानी उन्होंने टच नहीं करना चाहिए, रफ चीज़ों को उन्होंने हाथ नहीं लगाना चाहिए, बड़ा आवाज़ उन्होंने नहीं सुनना चाहिए. बट ये इट्स अ मिथ. उन्होंने सब कुछ एक्सपीरियंस करना चाहिए इन अ राइट वे. यस, इन अ राइट वे. अगर पर्टिकुलर वे में उन्हें डिफरेंट टेक्सचर टच करने के लिए मिले तो उनके जो न्यूरल पाथवेज है वो बहुत ज़्यादा ओपन हो जाते हैं, न्यूरल पाथवेज खुल जाते हैं, एंड इट अफेक्ट्स इन देयर सेल्फ इस्टीम. उन जिस स्टेज में जो मिलना चाहिए वो अगर अच्छे से मिल रहा है तो उनकी नीड्स सेटिस्फाई होती है और वो बहुत ज़्यादा हैप्पी रहते हैं. उनका लर्निंग भी बहुत अच्छे से होता है. आई वाज सपोज्ड टू टेल दिस, बिकॉज उनका सेंसरी डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होता है तो उनका ग्रास्पिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है लाइफ में. सी बेसिकली किसी भी चीज़ को रिसीव करना, परसीव करना, उसको अपने दिमाग के अंदर अपने हिसाब से ढालना और अकॉर्डिंगली चीज़ों को रिस्पॉन्ड करना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म है. जब भी हम लोग बच्चे को बहुत अच्छे से सारे इनपुट्स देते हैं और एक्सपोजर देते हैं तभी ये पूरा मैकेनिज्म उनका बहुत अच्छे से बिल्ड होता है. सो दे बिकम अ फैबुलस एट देयर ग्रास्पिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड देन रिस्पॉन्डिंग टू एनीथिंग दैट इज स्पेसिफिक. और सेंसरी मोटर डेवलपमेंटल स्टेज के जो बच्चे होते हैं वो खुद के जो भी गेम्स है वो खुद चूज करते हैं. मतलब बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं जिनके बच्चे इस स्टेज में हैं, इतने सारे खिलौने लाके दिए बट मेरी बच्ची जो है पानी के साथ बहुत अच्छा खेलती है, चम्मच के साथ बहुत अच्छा खेलती है, स्टिकी चीज़ है तो उसमें वो बहुत ज़्यादा इनक्रॉस रहती है. बिकॉज उनको पता है कि क्या उनकी नीड है. अगर पेरेंट्स ने ये समझ के सेंसरी मोटर स्टेज वाले बच्चों के साथ वैसी एक्टिविटीज़ की, सेंसरी इनपुट्स उन्हें राइट वे में मिले, तो
उनके डेवलपमेंट पे सोने पे सुहागा. राइट. सो बेसिकली ऑल ऑफ यू, सेंसरी मोटर एक्टिविटीज जो हम लोग प्ले डेट की बैच में लेते हैं, प्ले डेट इज अ बैच फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, जिसमें हम लोग 182 प्लस एक्टिविटीज सिखाते हैं. बेसिकली सेंसरी मोटर डेवलपमेंट ये पूरा एक एस्पेक्ट है जिसमें हम लोग 25 प्लस एक्टिविटीज सिखाते हैं. एंड ट्रस्ट मी, ये इस साइकोलॉजिस्ट का और इस चाइल्ड बर्थ एजुकेटर का सबसे फेवरेट डेवलपमेंटल एस्पेक्ट है, बिकॉज हम लोग इसमें बहुत मस्त मस्ती एक्टिविटीज सिखाते हैं. इवन समटाइम्स हमें ऐसे लगता है कि हमारा डेवलपमेंट कुछ रह गया है और उस चीज़ों के साथ हम लोग बहुत अच्छे से खेलते हैं. इनफैक्ट लास्ट सेशन एक डेवलपमेंटल टॉय हम लोग आइडिया पेरेंट्स को सिखा रहे थे, एज सिंपल एज फेविकॉल को यूज करके आइडिया था. थ्रू आउट सेशन एक घंटा मैं उसके साथ खेल रही थी. डू यू रिमेम्बर दैट? यस. और चैताली क्लास में सबको बोल रही है, श्रेया इज प्लेइंग विद अ डेवलपमेंटल टॉय, इट वॉज सो मच फन. सो बेसिकली आप लोगों को अगर वो 182 प्लस एक्टिविटीज सीखने, इट्स अ ऑनलाइन बैच, आप ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं से भी अटेंड कर सकते हो. उसके साथ आपको एक सरप्राइज होममेड टॉयज का बॉक्स मिलता है जो हम लोग घर पर बनाते हैं. डू गेट इन टच विद अस. ये बहुत बेसिक अर्ज है हम लोग का आपके लिए कि बेसिकली बच्चा तो डेवलप हो ही रहा है बट उनको सही एक्सपोजर मिले. और हम लोग वैसे भी बच्चों के साथ खेलते हैं, सिर्फ अगर वो होम प्ले डेवलपमेंटल प्ले की तरह अगर यूटिलाइज हो जाए बच्चों के केस में, तो हम लोग को और क्या चाहिए. अगर आपको हमारा अपकमिंग बैच ज्वाइन करना है, डू गेट इन टच विद अस ऑन www.mayadwija.com. टू ज्वाइन द रिस्पेक्टिव लिंक, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, आप लोग वहाँ से भी कनेक्ट कर सकते हो. थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, हैव अ ग्रेट टाइम एंड बाय.